क्या मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ भी वही हुआ था जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ? कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 71 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। वो काफी समय से बीमार चल रही थी और डायलिसिस पर थी। उनके निधन के बाद कई फिल्मी सितारों जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा ने दुख जताया, लेकिन वही पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि सरोज खान को भी बॉलीवुड में गुटबाजी के कारण काम मिलना बंद हो चुका था। अपना फ्लैट बेचकर चौल में जाकर रहना पड़ा और डांस सिखाओ और किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी। सरोज खान को बेहद करीब से जानने वाले एक शख्स ने बॉलीवुड लाइफ टाइम्स को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस सनसनीखेज खुलासा किया है। सुनिए। आज जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया और समाज और प्रिंट मीडिया में ये बात चर्चित हो रही है, इसमें सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड की गुटबाजी के कारण आत्महत्या को विवश हो, तो ये इस गुटबाजी के कारण, ये गुटबाजी का प्रभाव आज से नहीं, पहले से भी, और इसकी शिकार सरोज जी भी हुई। सरोज जी जैसी शख्सियत भी इसकी शिकार बनी। इसी गुटबाजी के कारण बदलते दौर में निर्माताओं ने उनकी जगह उनको रिप्लेस करके दूसरे कोरियोग्राफर, दूसरे डांस डायरेक्टर को काम देना शुरू किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि वो स्पष्टवादी थी, वो सच बोलती थी, वो सीधी बात करती थी जो निर्माताओं को पसंद नहीं आता था। अगर पुराने रिकॉर्डिंग्स को उठा के देखा जाए, जो भी डांस कंपटीशंस चैनल्स पे आते थे, डांस के जा डांस या ऐसे भी कंपटीशन में सरोज जी को जज बनाया जाता था, तो सरोज जी किसी भी पार्टिसिपेंट का जो बेहतर करता था, निष्पक्ष भाव से, स्पष्ट रूप से उसकी सहायता करती थी, उसे वोट देती थी और उसे अपना नंबर देती थी। अलावे और भी जितने जज बैठे होते थे वो निष्पक्ष नहीं रहते थे। ये ऐसी कई चीज़ें बताती हैं कि वो स्पष्टवादी थी, निष्पक्ष भाव से सीधी बात करती थी, जो इंडस्ट्री के लोगों को पसंद नहीं आता था। जब सरोज जी के स्टारडम का दौर ख़त्म हुआ और जब ये लोग, जो लोग आज कह रहे हैं कि उन्होंने सरोज जी की मदद की, और जब इनका स्टारडम रहा उस समय भी इन लोगों ने कभी हाथ नहीं बढ़ाया सरोज जी की तरफ कि हम आपको काम दे रहे हैं, क्योंकि किसी को अगर काम मिलता रहता है तो किसी के दिन बुरे नहीं आते। सरोज जी के बुरे दिन आने में बॉलीवुड के ये नामी गिरामी लोग जो आज अपना गाल बजा रहे हैं, वाहवाही बटोर रहे हैं कि हमने सरोज जी की मदद की है, ये मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती।